और देश में आज से बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है। 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में वैक्सीन सेंटर पर बूस्टर डोज लगवाने के लिए लोग पहुंचे, जहां बूस्टर डोज के साथ साथ पहली और दूसरी डोज भी लगाई गई। इन चार तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली कैंट, गोंडा विधानसभा, मालवीय नगर और छतरपुर, जहां पर बूस्टर डोज लगाई जा रही है। जनतंत्र टीवी की टीम ने इन वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया। देश भर में हो रहे तमाम तरह के बूस्टर डोज के लिए आज यहाँ मैं इस समय मौजूद हूँ। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पूरी एक लाइन यहाँ लगी हुई है, कैमरामैन से कहूँगी एक बार कैमरा में दिखाएं, जिस प्रकार से ये पूरी लाइन वहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है। आज जो है ये बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत जो है वैक्सीन सेंटर में की जा चुकी है। इसका नाम क्या है आपका? गिरिराज सिंह जी। क्या चल रहा है सर? इस समय में वैक्सीन का चल रहा है मैडम, रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। रजिस्ट्रेशन का काम किस प्रकार के रजिस्ट्रेशन? ये वैक्सीनेशन का है, बूस्टर का हो गया, कोविशील्ड का हो गया, इसके लिए तीनों तरह का। अच्छा, इसके लिए फर्स्ट सेकंड। कितने लोग अभी तक आ चुके होंगे? अभी तो मैडम कल अभी 150 से ऊपर हो चुका है सुबह से। हाँ, सुबह कितने बजे से बैठे हैं ये? हम 8:30 बजे से आ जाते मैडम। 8:30 बजे से कितने बजे तक रहते हैं? 3:30, 5:30 तक। हाँ जी, बात करेंगे यहाँ बूस्टर डोज लेने आए हुए कुछ लोगों के साथ में। नाम जानना चाहूँगा। उमेश भट्ट। अच्छा, किस चीज़ के लिए सर? मैम बूस्टर डोज के लिए आए हमारी ये। अच्छा, हाँ। तो क्या काम क्या करते हैं? हॉस्पिटल स्टाफ हूँ मैं। हॉस्पिटल स्टाफ से आप हैं? हाँ। अच्छा, कौन सा डोज है आपका? ये हमारा मैम थर्ड है वैसे, यानी दोनों डोज ले चुके हैं, बूस्टर डोज। हाँ, बूस्टर के लिए। अच्छा, थर्ड के लिए। ये अभी आज ही हमने रजिस्ट्रेशन किया तो हमारा अभी गया, इसलिए करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो है हेल्थ वर्कर्स भी तैयार हैं बूस्टर डोज जो है लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बात करेंगे दूसरे किन्हीं और के साथ में, आप बताएं आपकी। जी, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं भी हॉस्पिटल स्टाफ ही हूँ, बूस्टर डोज के लिए आया हूँ। बूस्टर डोज के लिए आप आए? तो देखिए यहाँ नर्सिंग स्टाफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे बूस्टर डोज के लिए, मालूम करेंगे। जी बताइए आपके नाम के साथ। आई एम उषा। हाँ जी बताइए। आई एम ANM। हाँ जी, यहाँ पे आज से बूस्टर डोज लगना स्टार्ट हुआ है, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ लाइन वर्कर्स और 60+ सिटीजन को लगाया जा रहा है। मैम ये एंटीबॉडी होता है? हाँ जी मैम। अच्छा, तो आज से इसकी शुरुआत? हाँ जी, आज से इसकी शुरुआत करी गई है। तो देखिए जिस तरह से नर्सिंग स्टाफ भी बता रहे हैं कि एंटीबॉडी के लिए जो है ये बूस्टर डोज लगवाने का प्रचलन देश भर में शुरू किया जा चुका है। मैं इस समय मौजूद हूँ गोड़ा विधानसभा में, अरविंद नगर में, जहाँ पे बूस्टर डोज लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो बूस्टर डोज लगाई जा रही है, आज से इसका शुभारंभ हो चुका है। और मैं यहाँ आया हूँ जहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही है और बूस्टर डोज भी यहाँ पे लगाया जा रहा है। मेरे साथ मैडम है, मैडम आप बात करना चाहेंगे आपसे, यह बूस्टर डोज आज लगाई जा रही है, कितने लोग आपके पास आ चुके हैं? सर मेरे यहाँ अभी तक 18 लोगों को बूस्टर डोज लग चुका है, और जिसमें कि फ्रंटलाइन वर्कर्स भी आ चुके हैं, इसमें कई लोग 60+ भी आ चुके हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग हेल्थ वर्कर से जुड़े हैं वो लोग भी हैं इसमें। अच्छा मैम, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वैक्सीन भी लगाई जा रही है और बूस्टर डोज का भी है यहाँ? जी सर, यहाँ फर्स्ट सेकेंड और बूस्टर डोज की भी अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस तरीके से वैक्सीन भी यहाँ पे प्रॉपर लगाई जा रही है और बूस्टर डोज के लिए भी काफी लोग यहाँ आ चुके हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आशीष चौहान है। आशीष जी, यहाँ पे जो वैक्सीन लगाई जा रही है और बूस्टर डोज लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिन लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है या हमारे फ्रंटलाइन वर्कर जैसे पुलिस वाले, सिविल डिफेंस वाले या हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं जो मेडिकल फील्ड से, नर्सिंग स्टाफ एंड नो, उन सभी को वैक्सीनेट किया जा रहा है प्रिकॉशनरी डोज के नाम से। वो डोज किस लिए लगाई जा रही है? वापस से आप देख ही रहे हैं कि नया एक स्ट्रेन आया जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, वापस से केसेस बढ़ रहे हैं। तो यही है कि आप वैक्सीन लेते रहिए, वैक्सीनेट रहिए, क्योंकि इसका बचाव कुछ नहीं है। आप मास्क पहनिए, वापस से कोविड हो सकता है, लेकिन जितने से ज्यादा वैक्सीन लेंगे आप लोग तो आपके लिए बचाव के लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ, तो आपने देखा वैक्सीन प्रॉपर आपको लगानी है और मास्क भी प्रॉपर पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूर रखनी है। मैं राकेश चावला, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। हम पहुंचे हैं दिल्ली के कैंट इलाके में, जहां पर बूस्टर लग रहा है तीसरी डोज कोरोना की। जिस तरीके से सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वो अपील कर रही है कि तीसरी डोज जरूर लगवाएं, जिस तरीके से तीसरी लहर ने दस्तक अपनी दे दी है। और दिल्ली कैंट छावनी बोर्ड के जो सामान्य हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं हमारे साथ में, उन्होंने भी डोज लगवाई है तीसरी। पर डॉक्टर प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहते हैं तीसरी डोज को लेकर और क्या अपील है? सर तीसरी डोज आपने लगवाई है, क्या अपील, किस तरीके से? आज ही मैंने पहली अपनी थर्ड डोज ली है अपनी, ये प्रिकॉशन डोज है, जैसे हम बूस्टर डोज भी बोलते हैं। आज ही मैंने ली है और हमने आज यहाँ से अपनी फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 से 60 साल से जो बड़े हैं बुजुर्ग
और साथ में जो कोमॉर्बिड है उन लोगों को हमने वैक्सीन लगानी शुरू कर दी आज से। और मैंने भी आज अपनी थर्ड डोज ले ली है और मैं भी मेरी सारे लोगों से अपील है जो भी पब्लिक में हैं वो अपनी वैक्सीन लें, जिनको जरूरत मतलब जो भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं हेल्थ केयर वर्कर्स हैं अपना टर्न पे अपनी वैक्सीन लें और औरों को भी प्रेरित करें इस वैक्सीन को लेने के लिए। आपने तीसरी डोज क्यों लगवाई सर एक डॉक्टर के नाते से? क्योंकि जो 9 महीने के बाद जो एंटीबॉडीज हैं वो कम होने लग जाते हैं और एंटीजन कम होता है एंटीबॉडीज कम हो जाते हैं तो इसकी ज़रूरत होती है बूस्ट करने के लिए, इसमें बूस्टर डोज लगवाई जाती है। कोरोना काल चल रहा है तीसरी लहर तो किस तरीके से लगता है कि ये कारगर साबित होगी या जो कोरोना फिर हो रहा है उन्होंने एक फर्स्ट डोज लगवा ली है? या क्योंकि कोरोना थर्ड वेव चल रही है तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सब लोग अपनी बूस्टर डोज लगवा लें और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया वो वैक्सीन लगवा लें क्योंकि वैक्सीन डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगी आपको ओमिक्रॉन वायरस से भी। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर प्रवीण जो यहाँ से अपना तीसरी डोज इन्होंने लगवाई है बूस्टर की और इनका सीधा सीधा कहना है कि जिसने फर्स्ट डोज नहीं लगवाई वो लगवाए क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है ओमिक्रॉन की संख्या भी बढ़ती जा रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कारगर साबित होगा ये कहना है डॉक्टर प्रवीण प्रताप सिंह जो दिल्ली कैंट छावनी बोर्ड के डॉक्टर हैं। शरद भारद्वाज जनतंत्र टीवी दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।